नमस्कार दोस्तों, हेल्थियंस के इस एडुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस क्या है और क्यों खासकर ये एल्डरली लोगों के लिए इतना जानलेवा है। तो कोरोना वायरस बेसिकली इट्स अ फैमिली ऑफ वायरस, और अभी जो डिजीज आउटब्रेक हुआ है जिसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है, इसका नाम दिया गया है COVID-19। और जो वायरस इस डिजीज COVID-19 को कर रहा है, इस वायरस का भी नाम दिया गया है SARS-CoV-2। रीजन बीइंग कि ये SARS वायरस जो 2003 में आया था उसके साथ 74% जेनेटिकली सिमिलर है। सिम्टम्स जो ये COVID-19 करता है बेसिकली कॉमन फ्लू के साथ थोड़ा सा सिमिलर है कि वो खांसी जुकाम करता है डेफिनेटली, लेकिन थोड़े से पैटर्न में डिफरेंस ये है कि कॉमन कोल्ड में जो है रनी नोज, प्रोडक्टिव कफ, फीवर, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर, ड्राई कफ होता है। रनी नोज 5-10% में देखा जाता है, लेकिन यूजुअली जो कफ होता है वो ड्राई कफ होता है। और प्रोग्रेसिव ग्रेजुअली अगर सीवियर फॉर्म में आपको इन्फेक्ट करता है तो सीवियर ब्रेथलेसनेस, बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत, जो आपको कॉमन कोल्ड में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको सांस की दिक्कत होती है क्योंकि ग्रेजुअली वो जो है निमोनिया लाइक सिम्टम्स करने लगते हैं। उसके अलावा बहुत GI सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जो कभी कभी या तो पहले हो सकता है बिफोर द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के पहले GI सिम्टम्स हो, या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पहले हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। 80% लोगों में माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होगी अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, खासकर यंग पेशेंट्स के लिए। लेकिन एल्डरली पेशेंट्स में खासकर देखा गया है कि वो सीवियर फॉर्म में अफेक्ट करता है, क्योंकि एक तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनमें काफी सारे प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा, इस तरह की कंडीशन जो है कई बार इनके पास को एग्जिस्टिंग होते हैं, जिसके वजह से जो है COVID-19 इन्हें ज्यादा बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और कई मैक्सिमम केसेस में जो है ICU में एडमिट करने की नौबत और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर्स की नौबत भी आई है। और मॉर्टेलिटी रेट भी अगर देखा जाए तो बूढ़े लोगों में मॉर्टेलिटी मच हायर है देन दैट ऑन यंग एडल्ट्स। ओवरऑल अगर वर्ल्डवाइड मॉर्टेलिटी इस डिजीज की अभी तक तो 3.4% बता रहे हैं, लेकिन अभी इतनी अर्ली इसको कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे मॉर्टेलिटी डिपेंड ये भी कर रहा है कि कौन से प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। जहाँ पे अगर कहीं पे यंग लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली मॉर्टेलिटी वहाँ कम होगी। एल्डरली पेशेंट्स में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत सारे हैं, इस वजह से भी मॉर्टेलिटी रेट हाई है। और उसमें से भी जैसे वुहान में जब स्टडी किया गया था तो ये देखा गया था कि चाइना में जितने एल्डरली लोग जो मरे थे, 10% को हार्ट डिजीज थी, 7-8% को जो है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और 5-6% को कैंसर। तो इसीलिए कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर है तो इसीलिए सीरियसनेस ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से ये बोला गया है कि जो है एल्डरली पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सीरियस है ये चीज़, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इनके जो मेडिकेशंस हैं हम टाइमली रखें, इनका BP, शुगर वगैरह सब कुछ कंट्रोल में रखें, इन्हें ज़्यादातर इनको बाहर ना जाने दिया जाए, घर में ही रखें। घर में अगर कोई यंग बंदा है वो ही ग्रॉसरी या एसेंशियल सामान लाए, और इन्हें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन सब कुछ इन्हें सिखाई। तो अगर दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। गुड बाय।